नमस्कार, मैं हूं सोनिका और आप देख रहे हो तत्काल न्यूज लाइव। हरियाणा में भिवानी जिले में शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। जिले के भवानी खेड़ा क्षेत्र में नवी कक्षा के छात्र के साथ महीनों से हो रहे सामूहिक दुष्कर्म का खुलासा हुआ है। मामले का खुलासा तब हुआ जब छात्रा गर्भवती हुई। हैरानी की बात है कि सामूहिक दुष्कर्म के सात आरोपिता में बाप और बेटे भी शामिल है। पूरा मामला भवानी खेड़ा थाना क्षेत्र का एक गांव का है, जहां नवी कक्षा में पढ़ने वाली 16 साल की नाबालिग से महीनों से सामूहिक दुष्कर्म होता जा रहा था। मामले का खुलासा पीड़ित छात्र के गर्भवती होने पर पता चला। आनंद फानंद में परिवारजनों को इसकी सूचना मिली, जिसके बाद पुलिस ने पीड़िता के बयान पर कार्रवाई की और पर्चा दर्ज करना शुरू किया। पीड़ित छात्र ने पुलिस में दिए बयान और उनके पिता के बयान यह है कि सात लोगों ने उनके गांव वालों के साथ एक दूसरे गांव सहित आठ लोगों ने महीनों से दुष्कर्म किया और किसी को बताने पर उनके परिजन को जान से मारने की धमकी दी। इस डर के मारे उसने किसी को नहीं बताया और जब वह गर्भवती हुई तो पूरे परिवार के सामने यह खुलासा हुआ। भवानी खेड़ा थाना प्रभारी रविंद्र कुमार ने बताया कि पीड़िता का मेडिकल करवाया गया। उसके पिता की शिकायत पर उन्हीं के गांव के सात लोगों पर मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने कहा कि 6 महीने तक दुष्कर्म करने और नाबालिग छात्र के गर्भवती होने की बात सामने आई है। उन्होंने कहा कि दुष्कर्म के आरोपिता में दो बाप बेटे हैं। महीनों से नाबालिग छात्र से उसी गांव के लोगों द्वारा डरा धमका कर सामूहिक दुष्कर्म का ये मामला न केवल सनसनीखेज है, बल्कि बाप बेटे के शामिल होने के चलते हैरान व परेशान कर देने का भी है। लोगों का कहना है कि अब देखना होगा कि पुलिस इस मामले में क्या एक्शन लेती है, सच्चाई कब तक सामने आती है और कब तक आरोपियों को सजा मिलती है।